नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप अपना सीढ़ी का मिड लैंडिंग घर के बाहर देना चाहते हैं तो क्या करें? घर के बाहर देंगे तो आपका स्पेस थोड़ा 3 फीट बच जाएगा। तो लेकिन लोग तो दे तो देते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में क्या हो जाता है, बना दिए फिर पता चला कि भाई कि सीढ़ी का लैंडिंग जो है ना क्रैक कर गया। बहुत तो ऐसा होता है कि क्रैक करके पूरा ऐसे करके झुक जाता है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर क्या ऐसा किया जाए जिससे क्या है कि अगर अपना सीढ़ी का लैंडिंग बाहर दे तो क्रैक नहीं करे, क्योंकि उसके ऊपर दीवार भी तो जोड़ना है, ऐसे तो नहीं खोलेंगे तो दीवार पूरा ऊपर तक जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है और आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा जानकारी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या मिस्टेक, क्या गलतियाँ हुई है। तो उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ याद दिला देता हूँ कि कुछ समय पहले मैं 2 वीडियो बनाया था इस टॉपिक को लेकर के, जहाँ पे जो है एक सीढ़ी जो बना था, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, इस सीढ़ी में सेम प्रॉब्लम हुआ। इस सीढ़ी में एक ऐसा चीज़ नहीं दिया गया जिससे क्या है कि इसका जहाँ से जो कैंटिलीवर निकल रहा है, जैसे ही मतलब बिल्डिंग का फेस, वहाँ पे जो है क्रैक डेवलप हो गया। ये तो आप यहाँ पे बस क्रैक देख रहे हैं, क्रैक देख लिए। अब एक और चीज़ आपको बताऊँगा, एक और हम वीडियो आपको दिखाता हूँ कि भाई वहाँ पे जो गलती हुई है क्रैक को लेकर के जो है, वहाँ क्रैक ही नहीं, यहाँ पर जरा आप देखेंगे तो इसको हम पॉज कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्रैक ही नहीं, बल्कि वो जो है पूरा क्रैक करके, वो तो बदल क्रैक था, क्रैक कर पूरा झुक गया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, जैसे ही जो है डिसचिंग खोला गया वो पूरा जो है झुक गया और वो पूरा जो है गिर गया। अब बताइए इसमें किसकी गलती है भाई, कैसे मिस्टेक हुआ, क्या रीज़न है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें उसका जो है फोटो वीडियो बना करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अबाउट टैब में मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करना है जिससे आपको इस तरह का समस्या ना आए। तो चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इस सीढ़ी को क्रैक को लेकर के जो है, यहाँ जो मिस्टेक हुआ है वो ये है, जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो क्रैक हुआ है, और आप अगर इस पूरा वीडियो को देखेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएंगे भाई क्रैक होने के पीछे क्या रीज़न है। तो इसको हम यहाँ से वीडियो को चलाएं और ज़रा ध्यान दीजिए इस चीज़ को लेकर के, ये देखिए रीज़न क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे सीढ़ी का अगर हम प्लान बनाए तो ये हो गया आपका सीढ़ी, ठीक है, ये प्लान इस हिसाब से रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या ज़रूरी है कि जब भी आप सीढ़ी बनाएंगे तो उसका चारों कोना में कॉलम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आपका चारों कोना में कॉलम है तो क्रैक होने का कम ही चांस होता है, अगर कॉलम नहीं देते हैं तो फिर आपका जो है क्रैक हो सकता है। इसको फिर से एडजस्ट करेंगे, यहाँ हो गया और फिर आपका यहाँ पे, चारों कोना में कॉलम पहले यहाँ पे दे देते हैं, ये ज़रूरी है। और ये आपका हो गया बिल्डिंग का फेस, मान लीजिए कैंटिलीवर हम जो है इधर ही देने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम यहाँ ले चलते हैं, इधर मेरा कैंटिलीवर, इस कैंटिलीवर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कैंटिलीवर अभी हम इधर ही देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा सा, तो ये एरिया आपका हो गया और फिर यहाँ से ये आपका सीढ़ी का पोर्शन हो गया, लैंडिंग इधर है, स्टेप एक लैंडिंग, ये हो गया स्टेप या शुरुआत का, और ये हो गया मिड लैंडिंग। तो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले कि आपको यहाँ भी एक बीम देना है, ठीक है। इस वॉल टू वॉल कॉलम्स कॉलम बीम देना ही देना है, साथ ही जो ये जो बीम आएगा, यानी तो इस कॉलम से ही जो है आपको एक बीम निकालना है।
और फिर इस कॉलम से ही जो है एक बीम निकालना। टोटल आपका दो बीम हो गया, यहाँ हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप ये बीम देते हैं तो बीम देने से क्या फ़ायदा होगा कि भाई ये कभी भी जो है क्रैक डेवलप नहीं करेगा इस पोजीशन पे, नहीं तो फिर वही हालत हो जाएगा कि भाई ये पूरा जो क्रैक, क्योंकि ये पूरा स्लैब जो है इस दोनों बीम पे रेस्ट कर गया तो क्रैक नहीं होगा, आप करेगा। अब चाहे आप इसके ऊपर जो है कितनों ब्रिक वर्क कीजिए, चाहे ब्रिक वर्क कीजिए, चाहे आप जो है रेलिंग लगाइए, कभी भी ये क्रैक नहीं होगा। अब हम यहाँ पे आपको वीडियो में पॉज करके दिखाएंगे, जहाँ पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेम उसी पैटर्न बनाया गया है कि भाई इधर बीम दिया गया आपका और आपका जो है इस साइड भी बीम, मतलब कॉलम भी है और आपको बीम भी गया हुआ, ये बीम इधर, यहाँ बीम, यहाँ बीम, और इसके ऊपर दीवार भी दिया गया है, तो क्रैक कभी भी डेवलप नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका सीढ़ी का, अगर आप जो है घर के बाहर मिड लैंडिंग बनाते हैं तो उस समय आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना, अगर ये सारा चीज़ ध्यान देंगे तभी जा कर के आपका जो है ये कभी क्रैक नहीं होगा, नहीं तो फिर जो है जैसे दीवार बनाए चाहे स्ट्रिंग खोलेंगे चाहे उसके ऊपर कुछ लोड देंगे तो भाई क्रैक डेवलप हो जाएगा, तो कभी कभी होगा तो पूरा जो है गिर भी सकता है ये। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही अपन चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन में जो उसको क्लिक कर दीजिएगा उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।